कैसे हो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको के बाइट पाउडर के यूज, साइड इफेक्ट और गर्भावस्था में यूज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक यूजफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल को कई दिनों से आप जैसे अच्छे और प्यारे साथी की तलाश थी और आज ये तलाश पूरी हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमें पता है कि आपका कीमती समय मूल्यवान है, तो अधिक न लेंगे, सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम के बाइट पाउडर के यूज के बारे में बात कर लेते हैं। के बाइट पाउडर जो होता है वह एक तरह की दवा होती है और इसका यूज जो होता है वह डायलिसिस से गुजर रहे क्रोनिक किडनी रोग के रोगियों के उच्च रक्त पोटेशियम स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। के बाइट पाउडर का यूज करने के कारण से शरीर में अतिरिक्त पोटेशियम जो होता है उसे हटाने का काम करता है और फिर पोटेशियम के स्तर को सामान्य से वापस लाता है। यह पाउडर शरीर में अतिरिक्त पोटेशियम को हटाने का काम करता है क्योंकि इसके अंदर संकीर्ण पदार्थ के रूप में पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट होता है जो कि इस कार्य को पूरी तरह से कर सकता है। इस तरह से कुल मिलाकर बात यह है कि यह पाउडर रक्त में पोटेशियम को बढ़े हुए स्तर को कम कर उपचार करने का काम करता है। अगर आप वयस्क हैं या फिर बच्चे हैं तो दोनों ही तरह की स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है, मगर आपको बता देते हैं कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको इसका यूज नहीं करना है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि के बाइट पाउडर के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। आपको बता देते हैं कि के बाइट पाउडर का यूज करने के कारण से वैसे तो किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कमी देखने को मिलते हैं, मगर कभी कभार देखने को मिल जाते हैं और इन्हें सामान्य साइड इफेक्ट माना जाता है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट में गैस्ट्रिक जलन, उल्टी करना, कम हुई भूख, जी मचलाना, मल प्रभाव यानी ऐसा मल जो कठोर होता है और यह मलाशय या फिर निचले वृद्धांतर में फंसा रहता है, कब्ज आदि तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट नजर आता है तो उसी समय अपने डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में इसका यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। अगर आप गर्भवती हैं या फिर गर्भवती होने की योजना बना रही हैं तो आपको बता देते हैं कि किसी भी तरह के पाउडर या दवा का यूज करने से पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उस दवा के बारे में बात करनी चाहिए। मगर आपको के बाइट पाउडर के यूज करते समय डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान के बाइट पाउडर का उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब है कि आप इसका यूज कर सकते हैं मगर डॉक्टर की अनुमति से यूज किया जाए तो अच्छा रहता है। अगर बात करें कि इसका यूज कैसे करना है तो आपको बता देते हैं कि इसका यूज वैसे ही करना है जैसे कि आपको अपने डॉक्टर ने बताया है। के बाइट पाउडर को लेते समय आपको एक गिलास में थोड़ी मात्रा में पानी लेना है और इसके अंदर पाउडर को मिलाकर सस्पेंस बना लेना है और फिर इसको निगल जाना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी आपको डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है उसी के अनुसार आपको इसका यूज करना है। अगर इसका यूज किया जाता है तो कुछ तरह के फायदे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम का उच्च स्तर जो होता है उसको कम करने में यह पाउडर काफी अधिक मदद करता है। मतलब यह है कि पाउडर पोटेशियम के उच्च स्तर को हमारी किडनी के द्वारा प्रभावित ढंग से हटा दिया जाता है, जिसके कारण से किडनी में होने वाली समस्याएं जैसे कि सांस लेने में कठिनाइयां, ऐंठन, सीने में दर्द, मतली, थकान, दर्द आदि को भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से के बाइट पाउडर का यूज किया जाता है। आज के इस के बाइट पाउडर की वीडियो में बस इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम समय समय पर इससे भी अधिक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अगर जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें।